एक हीरा इसके हाथों में है और दूसरा हीरा ये खुद है। इसका नाम है फोफिया और ये फ को फ नहीं बोलती। Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. 2009 था, विशाल भारद्वाज ने हमारे सामने कमीने लाई थी। कमीने वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म बॉलीवुड हैज एवर मेड। इसकी जो कल्ट फैन फॉलोइंग है स्पेशली आफ्टर इस थिएट्रिकल रिलीज वो हद से ज्यादा थी। शाहिद कपूर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स यानी कि शरीफ हकलाना हुआ गुड्डू या फिर चार्ली जो के फ को फ बोलता है और अमोल गुप्ते का आइकॉनिक कैरेक्टर जो कहता है अबे फ को फ नहीं तो क्या ल बोलेगा। दैट फिल्म वॉज आइकॉनिक। शाहिद कपूर के लंबे बाल, उनकी बॉडी, डेंटेना गाना, चंदन रॉय सन्याल, प्रियंका चोपड़ा और पूरी की पूरी गैंग एंड विशाल भारद्वाज ने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था मुंबई में फॉर कमीने, वो फिल्म एक मेमोरेबल फिल्म है। शाहिद कपूर का सबसे मासीएस्ट रोल कह सकता हूँ मैं। आर राजकुमार थी मासी लेकिन ये ऑल एंड ऑल ग्रे था अलॉन्ग विथ गुड कैरेक्टर्स एंड ये पूरी माफियासो काइंड ऑफ अ फिल्म थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि ऐसी फिल्में गुमराह के राहों पर खो जाती है एंड इसका सीक्वल क्यों नहीं बन रहा था ये समझ के बाहर था। विशाल भारद्वाज ने 2009 में ही इस फिल्म को ओपन एंड दे दी थी। शाहिद कपूर यानी कि गुड्डू जिसकी शादी प्रियंका चोपड़ा के साथ होती है, उसके दो जुड़वा नो लड़के पैदा होते हैं एंड क्या चार्ली यानी कि शाहिद कपूर का रफ कैरेक्टर है, इसको हमेशा से बुकी बनना था इन द रेस कोर्स, वो अपना खुद का एक काउंटर ओपन कर लेता है और जो डायमंड की चोरियां होती है एंड में उसमें से एक डायमंड वो सोफिया जिसको फोफिया कहता है, क्योंकि सर को फ बोलता है, वो उसे पहना देता है। इट वॉज एन एब्सोल्यूट स्टेलर एंडिंग। ओपन थी सीक्वल बनने के लिए लेकिन इतने साल हो गए, 10 साल सीक्वल बना नहीं। अब गाइस शाहिद कपूर इस दिसंबर से मृणाल ठाकुर के साथ नानी नेचुरल स्टार नानी की तेलुगु फिल्म जर्सी के रीमेक के प्रिपरेशन में जुड़ चुके हैं। वो फिल्म रिलीज होने वाली है 28 अगस्त 2020 यानी कि वो कहीं ना कहीं फिल्म को अप्रैल या मई तक रैप कर देंगे, जिसके बाद डिंकू सिंह द बॉक्सर बायोपिक उनके पास है। लेकिन गाइस वो कह रहे हैं ना कि जिस कश्ती में बह रहे हो उसमें बहते निकल जाओ और जमाना जिस तरह से चल रहा है निकल जाओ। शाहिद कपूर ने वो एक्टिंग दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, उनकी एक्टिंग किस प्रकार की है, वो कितने बेहतरीन एक्टर है ये हम सब जानते हैं। सेम गोज फॉर ऋतिक रोशन, ऐसे मोमेंट पे जहां पर उनका करियर ऑलमोस्ट क्या एकदम वापस से उसी लेवल पर आ गया जहां पे क्रिश पे छोड़ के गए थे, वहीं पर ना ऋतिक रोशन को गुजारिश जैसी फिल्म करने की कोई जरूरत है, ना ही शाहिद कपूर को कोई भी आर्ट फिल्म या कोई भी ऐसी फिल्म करने की जरूरत है जो कि मास ऑडियंस को अपील ना करे। एंड यहां पर एक बोलते हैं ना टनल के एंड पर एक रोशनी दिखाई देती है। विशाल भारद्वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायरेक्टर्स ऑफ आवर टाइम अलॉन्ग विद अनुराग कश्यप ने कल जाकर IMPPA यानी कि इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन में जाकर एक नया टाइटल रजिस्टर किया है जिसका नाम है महाकमीने। आई एम अ ह्यूज कमीने फैन। ऑब्वियसली कमीने का जो क्लाइमैक्स था, क्या क्लाइमैक्स क्या प्री क्लाइमैक्स एंड मेनी सीन्स वर हेविली इंस्पायर्ड बाय क्विंटिन टेरेंटिनोज ट्रू रोमांस। अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्लाइमैक्स बहुत ही सिमिलर है कमीने से। इट लुक लाइक अ देसी क्विंटिन टेरेंटिनो मूवी। लॉन्ग डायलॉग्स, मोनोलॉग्स, विलन्स बात कर रहे हीरो के साथ, डबल क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ड्रग्स, गर्ल्स, गैंगस्टर्स, कार्टेल्स, पूरा टैरेंटिनो बना दिया था विशाल भारद्वाज ने। लेकिन अब जो मैं आपको खबर सुनाने वाला हूँ वो आपके चेहरे पर गारंटी हंसी डाल देंगे। बट फ्रेंड्स अब बात करें महाकमीने की, तो स्क्रिप्ट का आइडिया है वो विशाल भारद्वाज के पास बहुत पहले से था। वो चाहते थे कमीने को एक फ्रेंचाइजी में तब्दील करें एंड कल ही वो इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन में चार्ली और गुड्डू की जो ओरिजिनल फिल्म है उनका टाइटल रजिस्टर करके आए। लेकिन मेन क्वेश्चन है क्या शाहिद कपूर ये फिल्म करेगा? यस, शाहिद कपूर विल रिप्राइज द डबल रोल ऑफ गुड्डू एंड चार्ली अगेन इन दिस सीक्वल। एंड जिससे इन्फॉर्मेशन आई है उसने ये बात भी की कंफर्म की है कि डिंकू सिंह बायोपिक विल बी केप्ट ऑन होल्ड क्योंकि शाहिद बैक टू बैक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म नहीं करना चाहते। जर्सी इज बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन बॉक्सिंग, बैक टू बैक वो ये नहीं करना चाहते। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग मासियर एंड जो फिल्म जर्सी के बाद वो करेंगे वो रहेगी महाकमीने। अब गाइज यहां पर जो एंड थी वहां पर ऑब्वियसली मैंने कहा कि दोनों ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं एंड महाकमीने विल ऑल्सो हैव द ट्विन कैरेक्टर्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल्स। यानी कि महाकमीने में जो दो बच्चे पैदा होते हैं उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण एंडिंग होगी। कमीने हैड एन ओपन एंडिंग, अब ये एक ब्रिलियंट आइडिया है जो कि फ्रेंचाइजी को आगे ले जाएगा। अभी बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट है लेकिन मेरा काम था अब जितने भी शानेटिक्स है उनको ये बता देना कि यस ये बात में
नो 100% सच्चाई है कि शाहिद कपूर हैज़ अग्रीड टू डू महाकमीने। टाइटल भी विशाल भारद्वाज ने कल जाके रजिस्टर करा दिया। ओके गाइस, खबर पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर की सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल। पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट, दूसरा छोटा शॉर्टकट।